इतना डाले कि क्या बोला ना करो था कि बात आसु मजो आ रही हो ना था जो बात करो हम एनिमेटेड वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इनकी क्लैरिटी होगी कोई भी टॉपिक के बारे में जैसे बाकी बच्चों से सिलेबस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है कोई डाउट क्लियर है बच्चे यहाँ आके डाउट क्लियर कर मैथ्स में अच्छी डाइट के हिसाब से एक ऑफिसर को जो डाइट मिलना चाहिए वो प्रॉपर डाइट मिलती है जिसमें है मैम पहले हमने गूगल पर सर्च किया था बेस्ट एंडी एकेडमी के बारे में सबसे पहले प्रिंस का आ गया था और सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं कि आपका स्टेमिना बिल्ड होना चाहिए और शाम को 3 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद में बच्चा 10 बजे दूध पी के सो जाता है। राम राम जी मोक्ष पो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ सीकर और सीकर के अंदर एक महीने की जगह पहुंची हूँ जो आजकल बोलन लगा ही प्रिंस ऑफिसर एकेडमी। आज मैं आई हूँ प्रिंस का अंदर ही जो पालवास रोड है बी कैंपस में आई हूँ। यो पूरो मैं विजिट करूंगी अठे एनडीए की सैनिक की तैयारी है बा करवाई जा है पूरो कैंपस टूर कर से आपा साथ में ही अड़े के फैसिलिटी ही बच्चा ने के दियो जा है। अगर एक ऑफिसर बनाया जाए तो एक ऑफिसर को की टाइप में रूल रवे है बस सारो आपा एक वीडियो के माध्यम थान दिखावांगा। तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। अभी मैं विजिट करने लाग रहा तो भाई देखा कि काफ़ी पेरेंट्स ही बाहर ही आपका टावरान लेके तो सोचा हूँ भी आप बातचीत है वो कर लें। हाँ जी राम राम जी। राम राम सर। राम के नाम है थारू? मार नाम फूल चंद है। कड़ा आया हो? मैं राजास करने चेतालो गाँव में बंडस आयो। तो थे इतना डाल ले कि क्या बोला ना करो था कि बात आसु मजा आ रही हो ना था जो बात करो मुझे से कर रहा हो। ओके चलो ये बताओ कि अठे के बारे में कैंप तो लगे थन प्रिंस के बारे में चारी मेरी अखबारा में देख गया और भी 2-3 जना जानकार के आवे बड़े यार देखो देख पाया चोको लाइयो चोको लाइयो जन टाबर ने भर्ती करा रहे छोड़ बन आया भर्ती क्या करा रहे हो कराओ वाला अंडा पे अंडा भर्ती हो रही जाए लो। अच्छा हां जो चीज थाने बताई गई बड़े धरातल पर मिली या कोनी मिली? नहीं मिल रही सारी चीजा अब इमें काम का शो हो सी वो पासी पतो पड़ सी पर बाकी बात चीजा तो छे। तो बेटो तो राजी है की? अब आज तो राजी जे अब देखो 10 शाम ने 2 दिन बाद में कहीं रोसी एक पकाई के सी एक पतो तो जब पूरो थे विजिट कर लियो के घूम फिर की देख हां ओ चारी मेरे देख लिया खानो पीनो चेक कर लियो की खानो भी खाया जा के शौक लाग्यो 4 तो रोटी खाया और सब्जी चौकी लागी चौकी लागी की हां पर विश्वास है ना आज तो छे विश्वास नहीं नहीं बच्चा से भी बात करा था मैं तो बच्चा ने भी बताया कि बढ़िया खानो है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं अच्छो खानो मिल रहे 2 साल पुराना जो बच्चा टे बस भी बात करें अच्छो खानो बताया गया यहाँ कोई खानो हमेशा डेली मिलेगा। बाकी एक चीज अच्छी लगी कि यदि बच्चों जो मकसद से उठे आए हुए तो वो मकसद भी यदि पूर्ण नहीं हुए तो भी किसी न किसी फील्ड में कोई सा भी फील्ड में जाए ना तो वो बच्चों सक्सेस जरूर हो जाए। बिल्कुल पढ़ाई के साथ सारी चीज़ें बच्चा के लिए बहुत जरूरी हुए अठे जो मैं डिसिप्लिन देखा जब बार मैथ्स का मैंने बच्चा 2 मिनट एक्स्ट्रा भी खड़ा हुआ तो मैंने एक्स्ट्रा खड़ा होने पर दिया बढ़िया तरीकों से लागो बच्चा को एक्स्ट्रा टाइम जो नेगेटिव विचारा में जाए ना वो बिल्कुल कौन जाए बच्चों पूरे दिन बिजी रहे और वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ में अठा का जो स्टाफ वाला है वह भी बहुत अच्छा अवगत करवा रहा है और बच्चा की अच्छी केयर करवा रहा है। अभी आप क्लासरूम में मैं विजिट करांगा तो क्लासरूम में आप आ चुके हैं और ये देखने लग रहा होगा कि सर के अंदर कितनी डिसिप्लिन है बहुत ही अच्छी तरीका अनुशासन है वो रखे जा रहे हैं। क्लासरूम की आप बात करें तो क्लासरूम है वो बिल्कुल डिजिटल है और डिजिटल जो बोर्ड है भी पर पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। के पढ़ा रहे हो अभी फिलहाल? हम अभी पढ़ा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे वीडियो के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एनिमेटेड वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इनकी क्लैरिटी होगी कोई भी टॉपिक के बारे में जैसे हम कुछ भी यूज कर रहे हैं घर में उससे हम कनेक्ट कर देते हैं अगर वो चीज से कनेक्ट हो जाएगी तो उसको क्लियरली समझ पाएगा वो बच्चा कि क्या है क्या नहीं है उस टॉपिक की डिटेल में जा पाएगा डेप्थ में जा पाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि माइक्रोवेव में कैसे दिखता है ब्रेड। पढ़ाई की सीख चल रही है? मैम सही चल रही है। सही चल रही है और हॉस्टल में रह रहे होंगे? यस मैम। मेस में खाना खाया हुआ है? सही है। सही है बढ़िया है। अभी सर पढ़ा रही हैं वो समझ में आ रहे हैं? हाँ। अगर कोई डाउट रह जाए तो भी बाद में थे क्या करूँ? डाउट रह जाता है तो 3-5 पे डाउट काउंटर स्टार्ट होता है 4 बजे तक फिर उसके बीच में हम डाउट काउंटर जाते हैं और डाउट
जो जिस चीज़ में डाउट होता है कोई भी सब्जेक्ट में, वो डाउट लेते हैं और फिर हॉस्टल में जाते हैं। तो देख रहे होगा कि आपने एक कहावत बोला करें कि मारी छोरी के छोराओं कम है, तो भाई छोरियाँ भी मान मिल गई, लड़की भी रही। हाँ जी बेटा नमस्ते। नमस्ते मैम, के नाम आपको? आर्य नंदिनी सिंह। कड़े हूँ आप? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मेरी मारवाड़ी थोड़ी का समझ में को नहीं होगी। कब से आप हो यहाँ पे? 1 मंथ। तो 1 मंथ से आप यहाँ पे हो, कैसे पता लगा आपको यहाँ के बारे में? यूट्यूब। यूट्यूब पे आपने देखा, क्या देखा? पहले तो यूट्यूब, जब मेरे पापा ने इसके बारे में सर्च किया। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? पापा बिजनेसमैन है, मम्मी हाउसवाइफ। तो पापा, जब मैं पिछले स्कूल में पढ़ती थी वहाँ से पापा को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वहीं से एक टीचर है जिन्होंने हमें स्कूल के बारे में बताया। तो पापा ने डीपली यूट्यूब में इसके बारे में सर्च किया, तो यहाँ पर बच्चों के जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे थे, प्रोग्राम वगैरह, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उस समय अच्छा रिजल्ट आ रहा था, उसको देखते हुए पापा ने यहाँ पर एडमिशन कराया। देखो एक कहावत बोलते हैं, कथनी और करनी, मीन्स आपने जो देखा वो देखा ही आपने, आप यहाँ पे फील कर पा रहे हो, तो वो क्या लग रहा है आपको? हाँ सेम ही है, जैसा मतलब जैसा जब मैं विजिट करने आई थी वैसा सेम वहाँ पर वैसा दिखाया, और जब यहाँ पर आई हूँ वैसा सेम ही चल रहा है। अच्छी चल रही है पढ़ाई? हाँ सबसे। घर पे कब कब बात होती है? घर पर हमेशा कर सकते हैं हम, अपने स्कूल से जाने के बाद, स्पोर्ट्स टाइम में और डिनर से पहले 7:30 से। अभी फिलहाल आप लैब के अंदर चलांगा, सारा का सारा स्टूडेंट ही अपने सेटअप पर सब बैठे हैं और पूरा का पूरा की नज़र है बफालतू अठिन बठिन कोनी घूम रही है, सब अपनो काम है वो करने लाग रहे हैं। तो जो लैब को अठे देखी ही पूरा ध्यान अठे रखी जो टीचर ही लैब का बाहू आप बातचीत करा। हाँ जी सर, कोई भी डाउट होती है तो हर डेली बच्चों की यहाँ लैब में आते हैं। लैब के अंदर के कुछ करवाए जा वो भी थोड़ा सो बता दो। लैब में एक तो कंप्यूटर की भी क्लास लगती है, बाकी बच्चों से सिलेबस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट क्लियर है, बच्चे यहाँ आके डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो मतलब लैब में आनो भी बच्चा के लिए बहुत अच्छी बात है, फायदेमंद है। हाँ जी सर जी, राम राम जी। राम राम जी। हमारी लैब की खासियत भी है कि हम क्या करें, हर सीट पर कैमरा लगा रहे हैं, तो एक बार दिखा दो तो साथ में माने विजिट भी करावो करो और बताओ भी। हमारी क्वालिटी ये है कि बच्चों कोई भी सिलेबस के रिलेटिव में देखेगा, बाकी कोई इंटरनेट की दुनिया में जाके कोई सोशल मीडिया नहीं देखा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ हर सीट पर एक कैमरा लगा रहा है, तो बच्चे क्या चला रहे हैं, कौन सी फाइल खोल रहे की है, कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक ही मॉनिटरिंग हमारा सर करता रहे, और वो सीट वो थाना दिखाऊंगा वो सिस्टम में सारा सीट वाई सीट कैमरा आ रहे हैं, बड़ो जो हम सिस्टम लगा रहे हुआ सर जी, देखिए माए सारा क्या की पिक्चर आवा हर एक सीट की, बात पिक्चर में जूम करके भाई देख लें, कोई सोशल मीडिया में जाने बाद में बच्चों पढ़े भी नहीं, तो भी को बहुत ख्याल रखे जाए चीज को। तो बातचीत करेंगे। हाँ जी बेटा नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम आपको? मानवेंद्र सिंह। कहाँ से हो आप? जोधपुर। जोधपुर से। तो मानवेंद्र जी ये बताओ कि अठे के यहाँ से आया क्या कुछ? अठे मैं यूट्यूब में सर्च कियो तो इंडिया एकेडमी के बारे में, तो प्रिंस एकेडमी मतलब बताया था राजस्थान की बेस्ट एकेडमी है, तो यहाँ पर भेजा घर वालों ने। अच्छा कितनी साल होगी यहाँ पर? 11th यही थी, अब 12th में आया हूँ। अच्छा तो पढ़ाई वगैरह किसी चल रही? पढ़ाई ठीक चल रही। लैब के अंदर थार्क में के कुछ करवाया जा है और थे के कुछ करो, नहीं समझ में आवा तो? नहीं समझ में आया तो हमारे इंस्ट्रक्टर सर है उनसे पूछ लेते हैं। के कुछ कर रहे हो अभी थे के देख रहे हो? अभी तो यही देख रहा हूँ एनडीए सितंबर एनडीए के बारे में देख रहे हो। तो सब वगैरह था एग्जाम वगैरह कब के लगे? अभी 4 महीने बाकी है सितंबर में। 4 महीने तो 4 महीना बाकी ही, तो 4 महीना में पूरी चीज कवर कर लोगे? यस मैम। शाम के ग्राउंड पर थान जाए कि एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाए साथ में ही, और थान प्रैक्टिस करवाई जाए, तो अभी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट चल रहे काम? यस मैम। पीडीआई है हेल्प करने के लिए? हां जी पीडीआई है हेल्प करने के लिए। हां जी राम राम। राम राम मैम। के नाम आपको? अंकित। अंकित कड़िया का रहने वाला हूं। झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सा गाँव है? खेतड़ी गाटराटा। खेतड़ी में? गाटराटा। अच्छा तो भाई खेतड़ी तो मेरे बहुत जाना हुआ है और बहुत अच्छी बात है अड़े तक ते पहुंचे हैं। बताओ कि कह को थारो अभी चल रहे है? जी मैं मेरे को एनडी करना था। जी मुझे एनडी करना था, तो मैंने कहा पापा मुझे एनडी करना है, तो मैंने पापा को 10th क्लास में भेजा था, तो पापा ने कहा ठीक है स्कूल देखता हूँ, तो पापा ने प्रिंस के बारे में बताया, तो मैं 11th में यहाँ पे आया, तो मुझे लग रहा है मेरा सितंबर में हो जाएगा। और भाई जो शेखावाटी का ही, और अगर शेखावाटी के बारे का भी लोग ही जो एनडी क्लियर करेगा, तो मैं बाकी घर आ जाके स्पेशल बाको और बाकी फैमिली को इंटरव्यू है वो जरूर करेंगे। तो मिलूं मैं थोड़ा महीना बाद में? जी मैम।
तो भैया का घरा जाके निकलेगा बच्चों, तो जरूर मैं इंटरव्यू है वो कराऊंगा, और भी स्टूडेंट ही मैं भी खड़े ना खड़े मोटिवेट हुआ। अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी के अंदर, और थी देख रहे होगा कि सारा का सारा स्टूडेंट ही, छोटा स्टूडेंट ही के अंदर, और कोई न्यूज़पेपर पढ़ने लग रहा है। जिन्हें बुक पसंद है वह बुक पढ़ रहे हैं, जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है वह न्यूज़पेपर है वह पढ़ने लग रही है, और अपने साथ में सर जुड़ेगा वह पूरी की पूरी जानकारी है वह अपना देंगा, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी है भैया सर देखी। हाँ जी नमस्ते सर। यस मैम, ये है डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे आते हैं और बच्चे आने के बाद में यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। हमारे पास में है नॉवेल है, कॉमिक्स है, बायोग्राफी है, स्टोरी बुक्स है, और जो हमारे पास में बुक्स अवेलेबल नहीं है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल्स लगे हुए हैं वहाँ पे बच्चे आएंगे और आने के बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे और बच्चा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चा बुक पढ़ सकता है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, 3 प्रकार के न्यूज़पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और लाइब्रेरी के अंदर काफी स्पेस है, काफी अच्छी लाइब्रेरी है, डिजिटल आपा बोल्स का एक तरीका, और हर चीज की सुविधा है। बात आने ईजा प्रिंस अकेडमी यानी एनडीए अकेडमी है बटे थाने मिलेगी। एक चीज देखी है कि गर्मी तो गर्मिया के अंदर हर रूम के अंदर कोई भी छत के नीचे थे चला जाओ एसी उपलब्ध मिलेगी, हर जगह हर कोट पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा की नजर है बार रहेगी, ताकि तुम बच्चों है वो भी टाइम पास नहीं करे या और भी कोई बात है बाना हो जाता। अभी मैं मैस के अंदर आ चुकी हूँ और खानों है वो और मैं खा भी लियो थोड़ा बहुत और खा ली हूँ। खानों है वो काफी घर की त्रिया है और काफी अच्छो खानो है, मतलब ये को नहीं की भाई हॉस्टल में जाए देख रही की मैं रोटी ही मैं बलेड़ी ही या मोटी ही या पतली बस इसको नहीं, बिल्कुल शुद्ध खानो है और काफ़ी अच्छा खाना है, खानों खावे तो काफ़ी टेस्ट है वो आ रही है। और थे देख रहे होगा कि भाई मेरे अलावा अठे कोई भी आवाज़ कुने होगी कोई थाली की या कोई चम्मच की आई आगी भाई एक अलग बात। और भैया तो देखो कोई भी 5-10 जाना चल रही तो बस सरपराट ही हो जाए चालन की, पर बोल रहे हो कोई भी को नहीं, बिल्कुल अलाउ को नहीं बोलना, सब अपनो अपनो खानों है वो खान लाग रही और बाहरों भी आ रही तो मैं बिल्कुल लाइन हुआ लाइन हूँ खानों डलवाई और अड़ा को जो मैनेजमेंट देखी बस सर अपने साथ में जुड़ेगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। के नाम विजय पाल नाम। तो ठीक है कुछ देखो ये कंप्लीट नॉन टीचिंग का है जितना भी है वो कंप्लीट मैं देखता हूँ, जिसमें पीटी उस्ताद हो गए, वार्डन हो गए और बाकी अन्य जितना भी स्टाफ था उनको टीचिंग को छोड़ के नॉन टीचिंग का कंप्लीट मैं देखता हूँ। मैथ्स की आप बात करें तो मैथ्स में खानो पीनो थोड़ा सा बता दो। मैथ्स में अच्छी डाइट के हिसाब से एक ऑफिसर को जो डाइट मिलना चाहिए वो प्रॉपर डाइट मिलती है, जिसमें है हरी सब्जी है, दाल है, सलाद है और चावल है, चपाती है, बाकी मिठाई डेली मिठाई रहती है, स्पेशल डाइट रहती है संडे को, स्पेशल डाइट रहती है जिसमें पनीर रहता है, खीर रहती है, मिठाई रहती है, वो हर संडे को रहती है। तो कि भाई ऑफिसर मैस इन बोलने जा रहे है तो ऑफिसर मैस नाम क्यों दियो है? ये एनडीए के बच्चे हैं, वो जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे तो ऑफिसर बनेंगे, तो ये ऑफिसर मैस जैसे वहाँ ओटीए में जैसे ऑफिसर वहाँ पे रहते हैं तो वही उसी हिसाब से हम लोगों ने इसको ऑफिसर मैस दिया, वही डिसिप्लिन रहेगा, आपको कहीं पे भी चूं का भी आवाज नहीं आएगा, सिर्फ चम्मच और इनका प्लेट का आवाज आएगा, बाकी कहीं पे भी वही आदत डाल देते हैं हमने, ताकि आगे जैसे ही अगर एनडीए क्लियर कर लिया बच्चों ने ये ट्रेनिंग उस हिसाब से देते हैं ताकि बच्चा जाने के बाद में छोड़ के नहीं आए। मैं बताना चाहूंगी कि भाई मैं खानो खा चुकी हूँ, मन काफी अच्छो खानो लगे और बच्चों भी आप बात कर ले। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? अभी कल्प सिसोदिया। कहाँ से हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। सबसे पहले ये बताओ कि मध्य प्रदेश से इतनी दूर आप राजस्थान में कैसे आए? मैम पहले हमने गूगल पर सर्च किया था बेस्ट एनडीए अकेडमी के बारे में, सबसे पहले प्रिंस का आ गया था, तो पेरेंट्स ने बोला कि अब करना एनडीए ढूंढने के लिए लग गए और राजस्थान में आए तो प्रिंस का देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा, एडमिशन करा लिया। और देन कितनी साल होगी, कितने साल हो गए आपको? 11th में भी यही था और अब 12th में भी यही हूँ मैम। तो क्या लग रहा है कि 12th के साथ में एनडीए आपके लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। डेली का जो फूड मिलता है वो हमको बहुत बढ़िया मिलता है, सैलड डेली मिलती है, वेजिटेबल्स मतलब जो फुलफिल होना चाहिए बॉडी के लिए वो पूरा मिलता है, कर्ड हमें दही हमेशा मिलता है और दाल हमेशा मिलती है और चपाती चावल ये सब मिलता है, खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया है मैम यहाँ का।
ये बताओ, कभी मम्मी की याद आती है कि भाई अच्छा खाना नहीं बना, मम्मा होती तो अच्छा खाना बना देती? मैम ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, नहीं लगता कि भाई ऑफिसर बनना है तो किसी को याद नहीं करना बिल्कुल। और जैसे आपकी ये कटिंग वगैरह है, ड्रेसअप वगैरह है, जो जिस तरीके से आप डिसिप्लिन से रह रहे हो, रोज ही रहते हो या आज वीडियो के माध्यम से ही रह रहे हो? नहीं मैम, डेली का है, रूटीन है, डिसिप्लिन है। यस मैम। मैम ऑफिसर का मेन क्वालिटी यही है, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मेन होता है ये हमारे। तो यहाँ की जैसे स्टाफ वगैरह की हम बात करें तो कैसा क्या है? मैम डिसिप्लिन के हिसाब से बहुत ज्यादा ही अच्छा है, टीचर्स जो पढ़ाने वाले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मैं देखा तो खान पीन को देखो, मैं थोड़ा सा ध्यान बता दूँ, एंड इनकी प्लेट हुई दही होगा, दही के साथ में जाएगी दाल होगी, सब्जी होगी, खीरा होगा, चपाती होगी, बिल्कुल आने अच्छो खानो है वो दियो जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपना अच्छो खानो नहीं दियो जाओगे, बढ़िया साफ सफाई सु स्वस्थ हूँ आपना, अच्छो खानो नहीं मिलेगा, अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, तो आपका कुछ आगे काम है वो को नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी बेटा, नाम क्या आपका? आदित्य। आदित्य कहाँ से हो? झुंझुनू। झुंझुनू सुझना, तुम्हारा बड़ी समझ में आ जाएगी। आदित्य खानो क्या लग रहा है? बढ़िया है, हेल्दी है, बढ़िया हेल्दी एंड टेस्टी, मतलब जय खुशबू आन लग रही है, बी टाइप में खानो भी अच्छा लग रहा है। हां रोज खाना मतलब अलग अलग मिला या सेम ही मिला? हां डेली चेंज हो जाता है, चेंज हो गया। कभी भी यहां लगा कि भाई आज अच्छा खाने को नहीं बने हुए या कुछ? ना ऑलमोस्ट कभी नहीं होता है। खाना कोई शिकायत ना? और रहन सहन में और कोई? रहना वहना तो सीकर में तो प्रिंस के जो एनडी एकेडमी है सबसे बढ़िया है देखा जाए तो। धन्यवाद। लड़कियां यहाँ के बाद झपकरी भी कोनी, मतलब ये कितनों का अंदर जुनून है अपना काम न लेके कितना स्टिक है। तो सबसे पहले तो राम राम, के नाम आपको? तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई जो एनडीए है भी के बारे में क्या सोचो, किन थे मतलब ये देख रहे हैं कि भाई मैं एनडीए में गया तो एक अच्छा कर पाया, क्या था माइंड भाई? मेरा नाइन्थ क्लास होगी, मैं एनडीए में ऑफिसर बनूंगी क्योंकि मेरा जो बड़ा भी है वे भी एयरफोर्स में ऑफिसर है, तो वहाँ से मुझे लगा कि एनडीए के बारे में थोड़ा सा क्लियर बताओ कि क्या है एनडीए? एनडीए ऑफिसर बनने की वो देता है आपको, और आप उसमें आगे गर्ल्स की और बॉयज़ की ट्रेनिंग साथ होती है उसमें, और एनडीए एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, तीनों विंग्स है एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी, और तीन साल की ट्रेनिंग होती है वहाँ, दो साल ट्रेनिंग होती है, फिर जो अलग अलग लेवल्स में है जैसे एयरफोर्स की अकेडमी अलग है, नेवी के अलग है, आर्मी के अलग है, वहाँ उनको सबको जो जिस विंग में जाना चाहते हैं वहाँ भेज, एक साल की ट्रेनिंग उनकी वहाँ से होती है, फिर उनको पास आउट कर दिया जाता है। सर ऑल टोटल बताओ, सब कुछ बढ़िया है जो वो दिखाए हुए सारी चीजें ऐड है, मान बताए होगी था ऑफिसर की जान की ट्रेनिंग कराओ अब सारी है, अब हम आपको एस एस बी चाल रहे हैं ना, एस एस बी में जगह ऑब्स्टिकल्स आ कर रहे हैं, इंटरव्यू आ कर रहे हैं, सब कुछ अटे हो गए वहाँ तो था प्रिपेयर कर दी मैं बिल्कुल। हाँ विश्वास है खुद पर। अभी भाई अलग अलग स्टेप लड़कियाँ करने लग रही हैं। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम, के नाम आपको? दीपिका महिला। अभी यो के कुछ थे करने लग रहे हो, थोड़ा सा एक बारे में भी बताओ कि भाई अभी खड़े ऊपर से चढ़ के आए हो, अठिन भी हो, रसालो है, थोड़ा सा अलग अलग है ना, यू के बारे में बताओ। टोटल 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनमें से लड़कियों को 8 करने होते हैं, और मेरी एंट्री में लड़कियों को 7 करने हैं सिर्फ। मैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आई हूँ यहाँ पे, और सारे ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं कि आपका स्टेमिना बिल्ड होना चाहिए, आपने इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कर सकते हो, और इनसे हमें हमारा डर भी निकलता है, तो हम फाइनल जब एक्चुअल एसएसबी में जाएंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है पहले से ही। तो प्रिंस एकेडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो भाई फिलहाल थे देखने लग रहे हो कि लड़कियाँ ही बह रस्ता हूँ की तरीका आ रही और कितनी मेहनत कर रही है, पहले ही मतलब हर चीज़ के लिए लड़कियाँ प्रिपेयर हो रही हैं, और साथ में बोला करें कि भाई मारी छोरी कौन से छोराऊँ का मैं भी तरीका हूँ, थे देख सको कि भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बात देने लग रही। अभी थे देखने लग रहे हो कि जंप वगैरह लड़कियाँ ही बकरन लग रही। एक दो तीन दो चार दो पांच दो छह दो सात दो।
हाँ जी नमस्ते, राम राम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मेरा नाम पीयूष पुरी है और मैं जूनियर राजस्थान से हूँ। मैंने एक साल पहले प्रिंस में एडमिशन लिया था जी। और दोबारा आया कहाँ पे तो लगे हो? यहाँ पर मेरे मामा जी तैयारी कर चुके हैं और वो इस वक्त एयरफोर्स में है। उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि मुझे भी यहाँ से तैयारी करनी चाहिए और अभी यहाँ तैयारी करते हुए हमारा रूटीन सुबह 5 बजे से चालू होता है और शाम 10 बजे तक 11 बजे तक चलता है। जैसे कि आगे बढ़ ड्यूटी करनी है तो ड्यूटी के लिए अभी थाने बिल्कुल प्रिपेयर करना है कि आगे बढ़ ट्रेनिंग भी होगी, सारी चीज़ होंगी, बन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं? यस मैम, कह सकते हैं कि एक कोई भी अगर कैडेट यहाँ पर आता तो अपने फ्यूचर के लिए उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। वो यहाँ से प्रिपेयर होके जाएगा, उसकी रिटर्न की यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी होती है। उसके अलावा यहाँ पर उसकी फिजिकल पे, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया जाता है। तो उससे आगे जाके अगर वो वर्स्ट केस सिचुएशन में एनडीए नहीं कर पाता तो अपने ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सकता है और जिस भी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में जाएगा वहाँ पर अपना बहुत अच्छा योगदान देगा। दे फ्रेम में भी फिलहाल देखने लग रहा होगा कि भाई पवन जी सर ही, तो सर भी थोड़ी सी अपना बातचीत है वो कर ले। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। थोड़ा सा बताओ अपने बारे में कि भाई कब थे अठे हो के कुछ चल रहे है अड्या के बारे में थोड़ी जानकारी। मेरा नाम पवन कुमावत है, मैं यहाँ एकेडमिक हेड और पिछले 8 साल से यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ जो सिस्टम है अपना वो 6th क्लास से शुरू होता है। 6th क्लास से बच्चा हमारे पास आता है, 6th से 12th और 12th के बाद के बच्चे भी हमारे यहाँ पे रुकते हैं। सबसे पहला अपना रहता है बच्चे का एकेडमिक, एकेडमिक के साथ में बच्चा SSB को फोकस करते हैं क्योंकि अपना मेन टारगेट होता है आने वाले टाइम में बच्चा ऑफिसर बने। ऑफिसर चाहे सेना में हो या सिविल सर्विसेज में हो, सबको ध्यान में रखते हुए अपने पूरा एक कैरिकुलम डिजाइन कर रखा है और उस कैरिकुलम के हिसाब से ही हम शुरू से ही इसको फोकस करते हैं। सर आप बात करें तो हॉस्टल की, मैथ्स की और ग्राउंड की, टाइम टेबल, मतलब एक स्टूडेंट थारकन रहे तो भी को की रूटीन रहे है साथ में ही की टाइप में बांधे रखे जाए है कैसे बांधे पूरे अड़े को आसपास को वातावरण है वो थे दे हो थोड़ा सा बताओ ताकि वो ऑफिसर के लिए और एकदम तगड़ा, मतलब की भी चीज़ का बोले कह रहे ना भाई पक्का हो जाए ऑफिसर। तो बच्चे को हम सुबह 5:30 बजे जगाते हैं। 5:30 बजे बच्चे का रूटीन शुरू होता है। 5:30 से लेके सुबह 6:30-7 बजे तक फिजिकल एक्सरसाइज है और ये जो यहाँ का रूटीन है जिसमें ड्रिल है और एक्सरसाइज है और मतलब पर डे के अलग अलग यहाँ पे शेड्यूल है उसके हिसाब से यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज होती है। इसके बाद में बच्चे का एकेडमिक शुरू होता है, सुबह 8 से लेके 3 बजे तक एकेडमिक शुरू रहता है। इसमें क्लासेज रहती है बच्चे की और इसी दौरान बीच में 45 मिनट का एक ब्रेक होता है, 15 मिनट का टी ब्रेक है और 45 मिनट का लंच ब्रेक होता है। 3 से 4 के बीच में बच्चे का डाउट काउंटर का टाइम रहता है। 4 बजे बच्चा क्लासेज से फ्री हो जाता है, फिर वो बच्चा हॉस्टल में जाता है और शाम को 5:30 से लेके 6:30 तक बच्चे का ग्राउंड रहता है जिसमें हमारे पास सारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्विमिंग पूल है, आर्चरी है, सारे के सारे यहाँ स्पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। बच्चा अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी गेम में इन्वॉल्व हो सकता है। फिर शाम को 7:15-7 बजे बच्चे का डिनर होता है और डिनर के बाद में बच्चे की सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी भी उसी क्लासरूम में होती है जिसमें वो बच्चा दिन में पढ़ता है और शाम को 3 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद में बच्चा 10 बजे दूध पी के सो जाता है। 10 बजे तक क्लासरूम का स्टडी का प्लान रहता है। सर बच्चा थे तैयार कर रहे हैं ऑफिसर के लिए, तो ऑफिसर कितना की थारकन खुद कन? हमारे यहाँ पे कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के 10 ऑफिसर हैं जो बच्चों को एकेडमिक के साथ में SSB की भी तैयारी करवाते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे परमानेंट हैं जैसे ब्रिगेडियर साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कर्नल वीर सिंह जी यहाँ प्रिंसिपल सर हैं, कैप्टन सर हैं। बाकी हमारी SSB की टीम है, टोटल 3 टीम है जो 15-15 दिन से यहाँ विजिट करती है और बच्चों को SSB के लिए तैयार करती है। तो लड़का और लड़की दोनों ही के? हाँ, दोनों लड़का लड़की दोनों को ही तैयार करते हैं। मेन मोटिव देश के लिए अच्छे सिपाही, अच्छे ऑफिसर तैयार करना रहता है हमारा मेन मोटिव, तो देश के लिए हम अच्छे ऑफिसर तैयार करते हैं जी। और सर लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना भी दर्शक देख रहे हैं बन के संदेश दे, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा देश के लिए या देश की सेना में ऑफिसर बनना चाहता है तो प्रिंस NDA के अलावा कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बच्चा तैयारी कर सके, क्योंकि यहां पे हमारा मेन फोकस एकेडमिक्स के साथ में SSB इंटरव्यू को लेकर रहता है। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया में गर्ल्स कैटेगरी में 1st रैंक हमने दी है SSB में और बॉयज़ के अंदर 19th रैंक हमने SSB में दी है। वीडियो शेयर करियो और अगर सीख कर आओ हो तो एक बार जरूर प्रिंस के अंदर विजिट करियो। राम राम जी, धन्यवाद।